एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो स्नान वगैरह से निर्मित होकर और गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर घर के बाहर जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नहाकर पूजा करने आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढाते हैं उस दिन, क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए। इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर घर के बाहर जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी घर के बाहर जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी जी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय हो, सदा ही जय हो, प्रभु अपनी अनुकंपा सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना। कहानी सुनने वालों को भी और कहानी बोलने वालों की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।